नमस्कार साथियों, आज वाले क्लास में अपन जो फ्रांस की न्यायपालिका है, जो जापान की न्यायपालिका है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो पिछले वाली क्लास में जो जापान का संविधान था, वहां जो प्रेसिडेंट थी, प्रधानमंत्री थी, सम्राट, इनके बारे में अपन ने अध्ययन किया। आज वाली क्लास में अपन जापान की न्यायपालिका के बारे में अपन पढ़ेंगे। जिस तरह भारत की न्यायपालिका है, यानी कि सर्वोच्च स्तर पर यहाँ का सब न्याय के सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है भारत में, उसी प्रकार से जापान में भी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। और जो जापान का जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो न्याय का अंतिम सोर्स है, यानी कि सबसे ऊपर जो है न्याय का सर्वोच्च न्यायालय अंतिम शक्तियां अपने में संभाली किए हुए है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि जापान की न्यायपालिका, इसमें कुछ बिंदु मैंने लिखे हैं कि सबसे पहले जो जापान की न्यायपालिका है उसकी रचना लिखी है मैंने। दूसरा मैंने लिखा है कि न्यायाधीशों की जो सेवा सत्य के बारे में मैंने यहाँ लिखा है। नंबर तीन लिखी है कार्य प्रक्रिया के बारे में मैंने लिखा है। और नंबर चार जो लिखे हैं शक्ति एवं क्षेत्राधिकार के बारे में यहाँ लिखा है। तो सबसे पहला मैंने ये लिख दिया कि इनके बारे में संबोधन करना है। फिर जैसे मान लीजिए जो निचले स्तर के जो न्यायालय है जापान में, तीन चार तरह के न्यायालय मैंने यहाँ लिखे हैं। जैसे भारत के संदर्भ में देखिए अपन तो राज्यों के उच्च न्यायालय, उसी प्रकार जो वहाँ के प्रांत है राज्य उनके उच्च न्यायालय है, दोनों से नीचे जिला न्यायालय है, और उनके नीचे है जो औद्योगिक न्यायालय। इस प्रकार के न्यायालय को विभाजित किया गया है। फिर मैंने अगला प्रश्न लिखा है कि न्यायपालिका की विशेषताएं, जो जापान की न्यायपालिका की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की प्रखरता है, कानून का शासन है, कानून के समक्ष समानता है, न्याय व्यवस्था की एकरूपता है, सरकारी प्रोक्यूरेटरों की व्यवस्था यहाँ की गई, न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति जो है यहाँ न्यायपालिका को दी गई है। तो ये जो है जापान की न्यायपालिका की विशेषताएं मैंने यहाँ लिखी है। तो अगर परीक्षा के संदर्भ की दृष्टि से अपन बात करें, तो जैसे जापान की न्यायपालिका के संदर्भ में आपसे बड़ा सवाल पूछा जाता है, तो आपको ये जो मैंने जिस प्रकार से बोर्ड पर समझाया गया उसी प्रकार से आपको लिखना है। जैसे रचना आपको लिखनी है सेवा सत्य कार्य प्रक्रिया शक्ति क्षेत्र अधिकार के बारे में। जैसे भारत के संदर्भ में अपन बात करें, जैसे अभी ये क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, उसी प्रकार से जो है जापान की न्यायपालिका को इस प्रकार शक्तियां क्षेत्राधिकार मिले हुए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ की रचना, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का संगठन या रचना के संदर्भ में। तो 1+1=4 यानी कि 15 टोटल यहाँ सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, ठीक है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या रखी गई है वो 15 न्यायाधीशों की संख्या रखी गई है। 15 न्यायाधीशों में से कम 10 न्यायाधीशों को कानून का अच्छा ज्ञाता और अच्छा विधि वेता और दूरदृष्टा व्यक्ति, अच्छा ज्ञानी गुणवान व्यक्ति होना जरूरी है। तो इनकी जैसे नियुक्ति की बात करते हैं, तो नियुक्ति जो है कैबिनेट के द्वारा होती है, और जो है नियुक्ति कौन करता है यहाँ सम्राट, लेकिन उसका परामर्शदाता कौन रहेगा यहाँ जो वहाँ की कैबिनेट है उसके द्वारा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पढ़ते हैं बिंदु रचना, ठीक है ना। यानी कि जापानी जो न्याय व्यवस्था है वो शीर्ष पर एक सर्वोच्च न्यायालय है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 14 न्यायाधीश हैं। यानी कि ये दो नंबर के सवाल में आपसे पूछा जा सकता है, तो मुख्य न्यायाधीश से टोटल यहाँ 15 न्यायाधीशों की संख्या लिखी है। मुख्य न्यायाधीश का नामांकन मंत्री परिषद द्वारा किए जाने पर, यानी कि मुख्य जो न्यायाधीश का नामांकन है वो मंत्री परिषद के द्वारा यहाँ किया जाएगा। किए जाने पर सम्राट उसकी नियुक्ति करता है, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करेगा यहाँ जापान का सम्राट, यहाँ उसकी जो है नियुक्ति करेगा। ये बात भी आपको पूछी जाती है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा जापान के सम्राट के द्वारा। जैसे भारत के संदर्भ में अपन बात करते हैं, तो यहाँ जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श के अनुसार करता है, यानी कि वो भी यानी कि जापान में तो क्या है कि कैबिनेट के परामर्श से, और यहाँ जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के परामर्श के अनुसार ही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जापान में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैबिनेट के द्वारा की जाती है, परंतु नियुक्ति के उपरांत होने वाले प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन के समय तथा इसके बाद प्रति 10 वर्ष पश्चात न्यायाधीशों की नियुक्ति पर जनता की राय जानना आवश्यक है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई न्यायाधीश नियुक्त हो गया
70 साल बाद में जनता की राय उसके बारे में जानी जाती है कि वास्तव में जो न्यायाधीश है वो सही अर्थों में अपना कार्य कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि मतदाताओं की बहुसंख्या किसी न्यायाधीश की नियुक्ति को अस्वीकार करती है तो उसे प्रत्युत किए जाने का प्रावधान है, यानी कि अगर मतदान होता है और मतदान अधिक मात्रा में उसके नेगेटिव आता है, कहने का तात्पर्य है कि नकारात्मक यानी कि उसके विपक्ष में अगर वोट अधिक आते हैं तो उस न्यायाधीश को अपने पद से इस्तीफा देना ही होगा, उसको अपना पद जो है वो छोड़ना ही होगा। इस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति जनता की समीक्षा के अधीन है, यानी कि जनता की राय सबसे बड़ी है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में। इस दृष्टि से जापान की नियुक्ति पद्धति स्विट्जरलैंड तथा अमेरिका के राज्यों की न्यायपालिकाओं के समतुल्य है, यानी कि समान है। जो जापान और स्विट्जरलैंड की जो न्यायपालिका है उसके समान कुछ मिलती जुलती है। जहां न्यायाधीशों का निर्वाचन जनता स्वयं करती है, यानी कि जब मैं स्विट्जरलैंड का आपको संविधान पढ़ाऊंगा तो स्विट्जरलैंड का जो संविधान है उसको प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा गया है। एक तरह से जो सारे काम होते हैं वो जनता के सामने वहां होते हैं, और अगर वो कार्य नहीं कर रहे हैं तो जनता उनको रिकॉल कर सकती है, वापस बुला सकती है। तो उस प्रकार के जो प्रावधान है वो स्विट्जरलैंड के संविधान में दिए गए हैं। नंबर ये तो हो गया कि रचना के संदर्भ के बाद सबसे पहले मोस्ट बात जो है उन्होंने न्यायाधीशों के बारे में, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो जनता के सहमति पर यहाँ पर डिपेंड करती है। नंबर दो बात करते हैं सेवा शर्तों के बारे में, जो भी न्यायाधीश है उनकी सेवा शर्त क्या है। अच्छा उनको वेतन दिया जाता है, कार्यकाल यानी कि 70 वर्ष तक जो है वो अपना कार्य कर सकते हैं, जो उनकी रिटायरमेंट है वो 70 वर्ष है, अच्छा वेतन मिलता है, अच्छी सुरक्षाएं उनको दी गई है। कार्य के दौरान कार्यकाल के दौरान जो उनके वेतन या सेवा शर्तों में किसी प्रकार की जो है कटौती नहीं की जा सकती। यात्रा भत्ता हुए है, गाड़ी सुविधा जो है वो उनकी सरकार के द्वारा उनकी पूरी सरकार के द्वारा ये सुविधाएं उनको मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की जो सेवा शर्तें हैं जापान के न्यायाधीशों को मिली हुई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए किसी विशेष योग्यताओं का निर्धारण नहीं किया गया, परंतु विधि के अनुसार यह आवश्यक है कि नियुक्ति के समय न्यायाधीशों की आयु 40 वर्ष से कम न हो। यानी कि जैसे मान लीजिए न्यायाधीश को नियुक्त किया जाना है तो उनकी जो उम्र है वो 40 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तथा 15 न्यायाधीशों में से कम 10 को विशाल दृष्टिकोण तथा विधि के व्यापक ज्ञान वाला व्यक्ति होना चाहिए। यानी कि 15 न्यायाधीशों में से जो 10 न्यायाधीशों को कानून का अच्छा ज्ञाता होना जरूरी है। 70 वर्ष की आयु होने पर उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, इससे पूर्व उन्हें तब तक अपने पद से नहीं हटाया जा सकता जबकि उनके विरुद्ध सार्वजनिक महाभियोग की कार्यवाही नहीं की जाए। यानी कि न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रक्रिया है वो इतनी आसान नहीं। कार्यकाल के बारे में मैंने बता दिया, 70 वर्ष तक वो अपना कार्य करेंगे, 70 जो उनकी रिटायरमेंट उम्र है वो 70 वर्ष है। इसके अलावा जो उनके हटाने की प्रक्रिया है उसी महाभियोग के द्वारा ही उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, या फिर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाने में असमर्थ हो तो उनको पद छोड़ना होगा, अथवा जब तक कि उन्हें मानसिक तथा शारीरिक रूप से अपने कर्तव्य पालन में असमर्थ घोषित न कर दिया जावे। महाभियोग की सुनवाई डायरेक्ट द्वारा स्थापित महाभियोग न्यायालय करता है, जिसमें दोनों सदनों के साथ साथ सदस्य होते हैं। इनकी जो महाभियोग की सुनवाई है वो डायरेक्ट के द्वारा होगी और जिसमें दोनों सदन होंगे, प्रतिनिधि सदन और सभा सदन, ठीक है, दोनों सदनों की जो है साथ साथ सदस्य उसमें शामिल होंगे। एक समिति गठित होगी उसमें है, उसमें दोनों सदनों के जो सदस्य हैं उनको शामिल यहाँ किया जाएगा। महाभियोग सात सात सदस्य होते हैं, यह एक सांविधानिक स्थिति है जिसका अनुसरण संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय संविधानों से किया गया है। व्यवहार में न्यायाधीशों को सरलता से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, और वे स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्यो को कार्यभार निष्पादन करते हैं। न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन मिलता है, उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें कोई कमी नहीं की जा सकती, यानी कार्यकाल के दौरान जब उनके वेतन और कार्यकाल में किसी प्रकार की जो है कटौती उनके वेतन में नहीं की जा सकती। अब यहाँ साथियों अपने यहाँ तीसरा तत्व देखते हैं, उनकी जो कार्य प्रक्रिया है न्यायाधीशों की वो देखते हैं, यानी कि संवैधानिक प्रश्नों से संबंधित अगर कोई मामला है तो उसकी सुनवाई जो है पूरी बेंच जो करती है 15 न्यायाधीशों में से कम से कम उसमें 9 न्यायाधीशों की गणपूर्ति होना जरूरी है, यानी कि 9 सदस्यों की उसमें पूर्ति होना जरूरी है, बैठक होना जरूरी है। संवैधानिक प्रश्न से संबंधित समस्त मामलों की सुनवाई 15 न्यायाधीशों की
गई है। अन्य मामलों में जहां कानूनी प्रश्न अंतर्ग्रस्त होते हैं वहां छोटी बहन जी अपील सुनती है, यानी कि कानून से संबंधित कोई मामला है तो छोटी बहन जी उन मामलों को सुनती है। जिनमें पांच न्यायाधीश होते हैं उनकी न्यायाधीशों की गणपूर्ति मानी जाती है, यानी छोटी बहन में पांच न्यायाधीश होते हैं उसमें से कम तीन न्यायाधीश जो है उनकी गणपूर्ति होना जरूरी है। तो ये हो गई उनकी कार्यपूर्ति। अब देखते हैं उनकी शक्तियों में क्षेत्राधिकार न्यायपालिका होंगी, कौन सी शक्तियां उस क्षेत्राधिकार मिले हुए हैं। जैसे हो गया पहला प्रारंभिक न्याय क्षेत्र, ठीक है, जैसे भारत में भी प्रारंभिक न्याय क्षेत्र है, अपीलीय न्याय क्षेत्राधिकार, अधिमानी क्षेत्राधिकार, तो उसी प्रकार जो है जापान के न्यायपालिका में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार न्याय क्षेत्र दिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक न्याय क्षेत्र के संबंध में नहीं के प्रारंभिक न्याय क्षेत्र के नीचे के न्यायालयों से संबंधित है, यानी कि जो प्रारंभिक न्याय क्षेत्र है वो नीचे के न्यायालयों से संबंधित जापान की न्यायपालिका में दिया गया है। तो नीचे के संविधान में नीचे की न्याय व्यवस्था के बारे में न्यायालय बताया मैंने यहाँ, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और प्रारंभिक न्यायालय। तो विशेष जो है सर्वोच्च न्यायालय की यहाँ शक्तियां नहीं दी गई है। दूसरा देखते हैं हम अपीलीय न्याय क्षेत्र। सर्वोच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र केवल अपीलीय है तथा वह अपने से नीचे के न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध कानून द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सुनवाई करता है, यानी कि न्यायालयों के निर्णय के जो विरुद्ध है उनके विरुद्ध जो है वो अपीलें सुनता है, कौन, सर्वोच्च न्यायालय। तीसरे नंबर की बात करते हैं वैधानिकता संबंधी निर्णय। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को किसी सरकारी कानून, आदेश, नियम या कार्यवाही की वैधानिकता का निर्धारण करने का भी अधिकार है, यानी कि सरकारी आदेश है, कानून है, विधि निर्माण से संबंधित कोई कार्य है तो वो वैधानिकता संबंधी निर्णय के अंतर्गत आता है और सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई करता है। संविधान में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी सरकारी कानून, आदेश, नियम व कार्यवाही की वैधानिकता के विषय में निर्णय करने की शक्ति वाला अंतिम न्यायालय है, यानी कि जो मामलों के संबंधित जो अंतिम निर्णय करेगा वो यहाँ कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये जो है ये शक्तियां और क्षेत्र अधिकार वहां के सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए हैं। तो ये हो गया अपना पहला बिंदु। अब हम दूसरे बिंदु की बात करते हैं कि वहां जो निम्न स्तर के न्यायालय छोटे न्यायालय है उनको तीन श्रेणी में बांटा गया है, जैसे उच्च न्यायालय हो गया, जिला न्यायालय हो गया और प्रारंभिक न्यायालय। तो सबसे पहले हम जिला उच्च न्यायालय की बात करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के नीचे आठ उच्च न्यायालय है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो नीचे उच्च न्यायालय है वो आठ या उच्च न्यायालय है, आठ उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालयों की संख्या जो है जापान में आठ है, जिनका क्षेत्र प्रादेशिक होता है, यानी कि वो अलग अलग क्षेत्र के डिवाइड किए हुए हैं। इसका क्षेत्राधिकार मुख्य है अपीलीय है, वे अपने अपने क्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालयों से आने वाली अपीलों की सुनवाई करते हैं, यानी कि अपने क्षेत्र से संबंधित कोई विवाद है तो उसकी अपील जो है उच्च न्यायालय में सुनी जाती है। अधिकांश मामलों में इनके निर्णय अंतिम होते हैं, परंतु ऐसे मामलों में जिनका संबंध सरकार का तख्ता पलटने से होता है, यानी कि शासन जैसे परिवर्तन हो जाए, ये प्रारंभिक सुनवाई भी करते हैं। ऐसी सुनवाई पांच सदस्यीय पीठ का करती है, शेष मुकदमे तीन सदस्यीय पीठ का द्वारा निर्णय होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तैयार की गई सूची में मंत्रिपरिषद द्वारा की जाती है, यानी कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक कार्य सूची होगी जिसके अनुसार मंत्री जिसके ऊपर मंत्रिपरिषद निर्णय करती है कि किसको न्यायाधीश यहाँ बनाया जाना चाहिए। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भी इसमें अलग अलग होती है, तो ये वहां के राज्य विशेष से संबंधित होते हैं। तो ये जो परीक्षा सामान्य वार्षिक मैंने बताई उच्च न्यायालय के संदर्भ में है। नंबर दो बात करते हैं यहाँ जिला न्यायालय के संदर्भ में, इस प्रकार से भारतीय संदर्भ में भी अलग अलग जिलों में जिला न्यायालय स्थापित किए गए हैं, उसी प्रकार जो है जापान में भी जिला न्यायालय की स्थापना की गई है। जापान में उच्च न्यायालय के नीचे 49 जिला न्यायालय है, यानी कि 49, ठीक है, 49 जो है जिला न्यायालय वहां स्थापित किए गए।
जिन्हें गंभीर अपराधों तथा बड़ी धनराशि वाले दीवानी मुकदमों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, यानी कि बड़ी धनराशि संबंधित कोई मामला है तो वो जो है जिला न्यायालय में सुने जाएंगे। ये अधीनस्थ प्राथमिक न्यायालयों से आने वाली अपीलों की सुनवाई भी करते हैं। प्रत्येक प्रीफेक्चर के लिए एक जिला न्यायालय है, परंतु पकड़ी में इनकी संख्या 4 है। तो ये जो है दीवानी मामले, अधिक धनराशि जो मामले हैं उनके मामले में सुने जाते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं, कौटुंबिक न्यायालय। कौटुंबिक न्यायालय जापान न्याय व्यवस्था की अपनी विशेषता है। इनका उद्देश्य परिवार के सदस्यों एवं संबंधियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में सहयोग करना है। यानी कि जैसे मान लीजिए समाज के बीच में परिवार के संबंध में मामले संबंध आदि के संबंध में कोई मामले हैं तो उनके सामंजस्य बिठाने का कार्य जो है कौटुंबिक न्यायालय को यहाँ दिया गया है। ये घरेलू स्वभाव के तथा बाल अपराधियों के मुकदमे सुनते हैं। इनके समक्ष आने वाले मामले प्राय है वसीयत, संरक्षण, संपत्ति विभाजन, उत्तराधिकार, तलाक आदि से संबंधित होते हैं। प्रत्येक ऐसे न्यायालय में एक न्यायाधीश तथा 2 अनुभवी विवेकशील नागरिक होते हैं। यानी कि 1 न्यायाधीश होता है और 2 अनुभवी विवेकशील व्यक्तियों की नियुक्ति में की जाती है। तो ये जो है उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और कौटुंबिक न्यायालय आपके 3 हो गए। अब नंबर 3 की बात करते हैं कि सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि यहाँ जापान की न्यायपालिका की विशेषताएं, तो यहाँ मैंने लिखी है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की कर्तव्यता, कानून का शासन, कानून की संरक्षण, न्याय व्यवस्था की एक उत्तर, सरकारी प्रोक्यूरेटरों की व्यवस्था, न्याय पुनर्निरीक्षण। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि न्यायपालिका सभी देशों में लगभग जो है न्यायपालिका कुछ एक तरह से स्वतंत्र यहाँ रखा जाता है। न्यायपालिका के ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना रहे और दबाव में आकर वो केसों की सुनवाई ना करे। तो इस तो अगर दबाव में आकर राजनीतिक दबाव हो या किसी प्रकार का अन्य प्रकार का दबाव हो तो वो निष्पक्ष निर्णय नहीं कर पाएगी न्यायपालिका। तो उसके लिए जो है न्यायपालिका को यहाँ स्वतंत्र रखा गया है। जो न्यायाधीश हैं उनको पूरी तरह यहाँ सुरक्षा दी गई है कि उनका किसी भी प्रकार का वो दबाव सहन यहाँ ना करे। नंबर 2 की बात करते हैं कि न्यायपालिका की प्रत्यक्षता, यानी कि जो अधिकतर देशों में जो न्यायपालिकों को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से जो है इनको पृथक रखा जाता है। तो यहाँ भी जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा गया है। न्याय मंत्रालय का न्यायालयों पर नियंत्रण नहीं है। नंबर 3 की बात करते हैं कानून का शासन, यानी कि विधि का शासन एक तरह से, यानी कि जो है कानून का शासन है उसमें किसी राजनीतिक हस्तक्षेप आदि का जो है हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका इस प्रकार कार्य करती है कि देश में प्रशासन की मनमानी न चलने पाए, यानी कि प्रशासन की मनमानी उसमें ना चले और शासन कानून के अनुसार चले। दीवानी की कार्यप्रणाली में युद्ध के बाद के समय कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है, तथापि फौजदारी की कार्यप्रणाली की दृष्टि से परिवर्तन अवश्य किया गया है, वह विजित देशों के सामान्य कानून के सिद्धांतों का अनुकूल हो जाए। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि इसमें प्रशासन जो है उसकी भागीदारी नहीं है, सिर्फ कानून के अकॉर्डिंग वो प्रशासन काम करेगा और कानून का शासन यहाँ चलेगा। नंबर 4 की बात करते हैं कानून की समक्ष समानता, यानी कि जो कानून है उसके सामने सभी समान समझे जाएंगे, कानून से ऊपर कोई नहीं समझा जाएगा। कानून के अनुसार सब बराबर समझे जाएंगे। कानून के शासन को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में यह बंद किया गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी भारतीय व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता का अपहरण नहीं किया जाएगा और न ही कोई अन्य दंड दिया जाएगा। यानी कि किसी की स्वतंत्रता के मामले में हस्तक्षेप यहाँ नहीं किया जाएगा। नंबर 5 की बात करते हैं न्याय व्यवस्था की एकरूपता, यानी कि जिस प्रकार से भारत में न्याय व्यवस्था की एकरूपता है, यानी कि जैसे मान लीजिए कौटुंबिक न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय में मामले सुने जाते हो, इनके निर्णय के अनुरूप अगर आपको अपील करनी है तो वो कहां सुने जाएंगे, मामले सर्वोच्च न्यायालय में। जापान का जो न्याय कानूनिक स्रोत है वो सर्वोच्च न्यायालय यहाँ स्थापित किया गया है। जो छोटे स्तर के न्यायालय उनके निर्णय यहाँ सुने जा सकते हैं, उनके निर्णय के दोषियों के न्याय की जा सकती है। भारत की तरह जापान में समस्त न्यायालयों को एक सूत्र में बांध दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार देश की संपूर्ण न्यायिक सत्ता सर्वोच्च न्यायालय तथा कानून द्वारा स्थापित अधीनस्थ न्यायालयों में यहाँ निहित की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन 8 उच्च न्यायालय, 49 जिला न्यायालय तथा 49 कौटुंबिक न्यायालय तथा 500
किए गए हैं। इस प्रकार जापानी न्याय व्यवस्था एक पिरामिड के समान अतिक्रम अनुसार संगठित हुई, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि सर्वोच्च स्तर पर एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित यहाँ किया गया है। नंबर छह की बात करते हैं सरकारी प्रोक्योरमेंटों की व्यवस्था, यानी सरकारी प्रोक्योरमेंट सरकारी वकीलों की यहाँ व्यवस्था की गई है। जापान में प्रत्येक स्तर के न्यायालयों में सरकारी वकीलों की व्यवस्था, जिन्हें प्रोक्योरेटर कहते हैं, सरकारी वकीलों की इस संपूर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर सरकारी प्रोक्योरेटर जनरल होता है, यानी कि जो सरकारी वकील है, यानी कि वहां की भाषा में प्रोक्योरेटर वहां कहा गया है, इन प्रोक्योरेटरों के ऊपर भी एक जो है सरकारी प्रोक्योरेटर जनरल होता है। ठीक है, तो प्रोक्योरेटर का कार्य फौजदारी के कथित अपराधों की जांच करना तथा उनसे संबंधित मुकदमों की सरकार की ओर से पैरवी करना होता है। नंबर सात है न्यायिक पुनर्निरीक्षण, यानी कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका अपने कार्य से बाहर जाकर जैसे मान लीजिए कानूनों का निर्माण कर रही है, तो न्यायपालिका उनका कानूनों की जांच कर सकती है, अगर वो अवैध पाए जाते हैं तो उन कानूनों को निरस्त घोषित यहाँ किया जा सकता है। तो जापान के संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार जापान के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून को कार्यपालिका के किसी आदेश को जो संविधान के उपबंधों के प्रतिकूल है, यानी संविधान के प्रतिबंधों के अनुकूल नहीं है, वो प्रतिकूल है, यानी कि बाहर जाकर कानूनों का निर्माण अगर हो रहा है या असंवैधानिक घोषित कर सकता है, यानी कि न्यायपालिका उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है, तो ये न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। तो साथ ही वहां पर उसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको बड़ा सवाल इसमें पूछा जाता है किस नंबर का, तो ये जो मैंने पूरा लिखा है यहाँ पे वो ही आपको लिखना है। जापान की न्यायपालिका रचना सेवा शक्ति कार्य प्रक्रिया शक्ति एवं क्षेत्र का अधिकार इनको पूरा लिखिए, आपको समझाना है। पंद्रह न्यायाधीश मैंने समझाए हैं, उच्च न्यायालय जिला न्यायालय लोकोत्तर न्यायालय यहाँ मैंने आपके यहाँ बताए हैं, न्यायपालिका की यहाँ विशेषता मैंने आपको बताए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, प्रखरता है, कानून का शासन, कानून की समक्ष मानता है, न्याय व्यवस्था की पूर्णता है, सरकारी प्रोक्योरमेंटों की यहाँ व्यवस्था है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण की यहाँ विशेषता जो है पाई जाती है। इस प्रकार से जो है आपको इसमें बड़ा सवाल इसमें आपको अगर आता है तो इसी प्रकार से करना है। तो जापान के संविधान से संबंधित अगर अगला आपको कोई टॉपिक है तो अपन उसको आगे वाले क्लास में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए साथ उसको पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और जो है आगे की चर्चा की आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद, थैंक यू।